मैं चाहता हूं कि इस पर करूं कि बिहार में बेल्ट्रॉन किस तरीके से बिहार के नौजवानों का शोषण कर रही, भयानक भ्रष्टाचार है, अंधेर गर्दी है, जंगल राज चल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है और लोग छटपटा रहे हैं। ये ठीक वैसे ही जो आपके गर्दन में फंदा पड़ा हुआ है और पैरों के नीचे कुर्सी निकल गई है और नीचे पैर के पास कोई भी सपोर्ट मिल जाए ताकि आपकी जान बच जाए, जो छटपटाहट होती है वैसी छटपटाहट उन नौजवानों के बीच में। और लंबे समय से मुझे लिख रहे हैं, ये जो चिट्ठियां हैं ये बताएं कितने काबिल नौजवान हैं, पढ़े लिखे, उनको अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी डिग्री पर अफसोस है कि इस देश में उनका इस्तेमाल नहीं है, और इस्तेमाल हो भी रहा है तो डेटा एंट्री करने वाले आदमी ऑपरेटर के नाम पर, पैसा महीनों नहीं मिलता है, मिलता है जीएसटी कार्ड के मिलता है, वो अपना नहीं चला पाते हैं, घर का क्या चला पाएंगे। बड़ी तादाद में इस देश का नौजवान जो है बर्बाद हो रहा है। एक बड़ा संसाधन किसी भी देश का नौजवान होता है, ह्यूमन रिसोर्स है वो। इस ह्यूमन रिसोर्स पर दूसरे देश पता नहीं क्या कर जाते, दुनिया में कमाल कर देते, लेकिन हमारे यहाँ कॉम्पिटेंट रिसोर्स है, फिर भी हम उनका ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। आप एक नाइंसाफी है, बेईमानी है, लूट है, अत्याचार एक तरह का, और ये सिस्टम की सड़ांध है। व्यवस्था ने बिहार में खास करके वो स्थितियां नहीं पैदा की कि रोजगार वहां बने। मुझे 10,000 की नौकरी नहीं करनी है यार, मैं 10,000-20,000 के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं उतना कॉम्पिटेंट हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं, ट्यूशन पढ़ा के भी उतना नहीं कमा सकता, वहां ट्यूशन के पैसे उतने नहीं मिलते, कोई और नौकरी है नहीं। जब आप गांव में रास्ते पर ऐसी खाली हाथ खाली जेब भटकते हैं तो आपको लगता है कुछ भी मिल जाए यार, और कुछ भी मिल जाने में ये मिल जाता है, ये जाल बिछाए शिकारी हैं, जो परिंदा आ गया फंस गया, अब उन्हें छोड़ सकता है और करेगा तो मर मर के करेगा, तो रोज मरने की हालत है। तो वो चिट्ठी जो है उस नौजवान की, वो मरने की इजाजत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यहां की व्यवस्था से मांग रहा है, और चिट्ठी इतनी सुगढ़ है, एक लय सी दिखती, तकलीफ दिखती है, आक्रोश दिखता है, अफसोस दिखता है, लाचारी बेबसी दिखती है। और ये एक लड़के की बात नहीं है, हजारों की बात है। बिहार में संविदा पर थर्ड पार्टी, थर्ड कंपनी के जरिए जितने भी लोग रखे गए हैं, वो कंपनियां उनके साथ क्या करती हैं, और जिन सरकारी अधिकारियों के तहत वो काम करते हैं वो उनके साथ क्या सलूक करते हैं, ये सच जानना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्द नौजवानों की एक बड़ी टोली लेकर के बड़ा शो करूंगा दिखाने के लिए कि क्या चल रहा है। आप कुछ भी करेंगे, जंगल राज है, शोषण है आपका, अत्याचार है, इसलिए कि आप सरकार में व्यवस्था में कोई मिसाल नहीं पैदा कर सकते, एक उदाहरण अच्छा होने के नहीं कर सकते कि ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छी सरकार है, ये अच्छे मंत्री हैं, ये अच्छे अधिकारी हैं, इनमें इंसानियत भी है और काबिलियत भी है। जिन लोगों को आप 10 घंटे खटवाते हैं, महीने के बाद पैसा तो दे दो, उसके लिए महीनों वो मुंह ताकते रहते हैं, महीनों बाद तुम जीएसटी के नाम पर काट लेते हो पैसे, वन थर्ड मजाक समझ रखा है। जिस दिन यही सारे नौजवान खड़ा हो जाएंगे ना, हिल जाएंगे आप लोग, ये आपके कोड़े तभी तक चलते हैं जब तक पलट करके किसी ने हाथ से उस कोड़े को छीना नहीं और पलट के मारा नहीं। जो भूखे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लड़के हैं नौजवान, वो कॉम्पिटेंट हैं, वो आपका काम करते हैं, और काम करने के बाद भी वो मजदूरों की तरह
मजदूर की जिंदगी तो कम से कम सम्मान की है कि वो अपना काम करता है और दिहाड़ी लेकर के लौटता है, सुनता नहीं। वो तो उससे भी गए गुजरे बेचारे, अब दिन भर गालियां देते हैं, अनशेड्यूल्ड काम लेते हैं, अपना बोझा उनके सिर पे डाले हुए हैं और पैसे देते नहीं है। ये चलेगा नहीं। और मैं फिर से कहता हूं कि अब इन नौजवानों के साथ मेरा संपर्क बढ़ेगा, मैं सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे पेपर्स इकट्ठा करके उनको पढ़ता हूं, समझता हूं और इन्हीं नौजवानों को खड़ा करूंगा। उनको नौकरी नहीं चाहिए, आपकी 20,000 की नौकरी मान में गई। वो खड़ा होकर के आपकी चूल्हे हिलाएंगे और जिन लोगों के बूते ये सरकारें चलती हैं, जिनके पास 4 कट्ठा जमीन नहीं है, 4 कट्ठा जमीन नहीं है, वो नेता हो जाने के बाद गाड़ियों का लश्कर लेकर के चलते हैं, ऐसे ही आ जाता है, आसमान से बरस जाता है। ये बेईमानी, लूट, भ्रष्टाचार, ईमान ही नहीं आपका। आप मंच से कहते हैं कि हम जन सेवा के लिए आए हैं, हम जनता के बहुत बड़े सेवक हैं, हम आपका भला करने के लिए आए हैं, आपने हमको चुना है, हम आपकी मुराद पूरी करेंगे, और आप ही लूटते हो। आपसे ज्यादा जंगली कौन, जाहिल कौन हो सकता है? हजारों हजार की तादाद में नौजवान हैं और छटपटा रहे हैं। कब से संपर्क करते हैं, मैंने कई दफा इनकी बात रखी भी, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से अब मैं रख रहा हूं और आने वाले दिनों में रखूंगा। ये हाथरस का जो बाबा है ना, क्या कहता अपने आप को, नारायण साकार हरि, वो साकार हरि है, नारायण है। वो झूठ फरेब प्रपंच ढोंग करता है, लाखों लोगों को बुलाता है, उसमें से भगदड़ मच गई तो 125 मर गए। वो दिन भर जो झूठ प्रपंच करता है वैसा ही नेता करता है। फर्क ये है कि ये सफेद पोश है। बाबा के हाथ सामने भी लोग हाथ जोड़े रहते हैं, कभी कभार ऐसे बाबा बेनकाब हो जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा फर्जी इस तरह के बाबा होते हैं उतने ही फर्जी कई नेता होते हैं। जितने बड़े जालसाज इस तरह के चमत्कार दिखाने वाले बाबा हैं उतने ही बड़े जालसाज ज्यादातर नेता भी हैं। जितना बड़ा ढोंगी बाबा होता है इसका, उतना बड़ा ढोंगी नेता होता है। ये फरेबी बाबाओं में और हमारे नेताओं में बहुत फर्क नहीं है, ये एक से हैं, चरित्र एक सा है, और इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी होता है। कम वक्त है, बहुत जल्द बहुतों की पोल पट्टी खोलूंगा और बहुतों की कुर्सी जो है उस पर उनका बने रहना मुहाल कर देंगे। कुर्सी तुम्हें तुम्हारा बनाने के लिए नहीं मिली है, कुर्सी तुम्हें लोगों की सेवा के लिए मिली है। नौकरी देकर के कोई बहुत बड़ी कृपा नहीं की, हक है, काबिल हैं वो लोग, व्यवस्था में सिर्फ बैठे हैं। व्यवस्था जनता की है, जनता के लिए चलती है। बीच बीच में नेटवर्क कट जा रहा है, लेकिन ये जो चिट्ठी है बिहार के उस बछवाड़ा के नौजवान की, वो चिट्ठी किसी को भी दहला सकती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जिस रोज भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, मेरी अपनी अपना रिसर्च मेरा पूरा हो जाएगा, उस रोज में बिहार के स्पेल्ट्रन और उसकी थर्ड पार्टी इसकी चूल्हे हिला दूंगा।
इससे कलाई खोलूंगा, इसकी पोल खोलूंगा। और ये तय, ये वादा करके मैं जा रहा हूं कि जो जाति, जो भ्रष्टाचार, जो धांधली, जितने धतकर्म करने हैं आप लोग करो, लेकिन उसका हिसाब किताब भी आपको करना होगा, इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। इकट्ठा करके उसको पढ़ता हूं, समझता हूं, और इन्हीं नौजवानों को खड़ा करूंगा। उनको नौकरी नहीं चाहिए, आपकी 20,000 की नौकरी मान में गई। वो खड़ा होकर के आपकी चूल्हे हिलाएंगे, और जिन लोगों के बूते ये सरकारें चलती हैं, जिनके पास 4 कट्ठा जमीन नहीं है, 4 कट्ठा जमीन नहीं है, वो नेता हो जाने के बाद गाड़ियों का लश्कर लेकर के चलते हैं, ऐसे ही आ जाता है, आसमान से बरस जाता है। ये बेईमानी, लूट, भ्रष्टाचार, ईमान ही नहीं आपका। आप मंच से कहते हैं कि हम जन सेवा के लिए आए हैं, हम जनता के बहुत बड़े सेवक हैं, हम आपका भला करने के लिए आए हैं, आपने हमको चुना है, हम आपकी मुराद पूरी करेंगे, और आप ही लूटते हो। आपसे ज्यादा जंगली कौन, जाहिल कौन हो सकता है? हजारों हजार की तादाद में नौजवान हैं और छटपटा रहे हैं। कब से संपर्क करते हैं, मैंने कई दफा इनकी बात रखी भी, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से अब मैं रख रहा हूं, और आने वाले दिनों में रखूंगा। ये हाथरस का जो बाबा है ना, क्या कहता अपने आप को, नारायण साकार हरि, वो साकार हरि है, नारायण है। वो झूठ फरेब प्रपंच ढोंग करता है, लाखों लोगों को बुलाता है, उसमें से भगदड़ मच गई तो 125 मर गए। वो दिन भर जो झूठ प्रपंच करता है, वैसा ही नेता करता है। फर्क ये है कि ये सफेद पोश है। बाबा के हाथ सामने भी लोग हाथ जोड़े रहते हैं, कभी कभार ऐसे बाबा बेनकाब हो जाते हैं, लेकिन जितना बड़ा फर्जी इस तरह के बाबा होते हैं, उतने ही फर्जी कई नेता होते हैं। जितने बड़े जालसाज इस तरह के चमत्कार दिखाने वाले बाबा हैं, उतने ही बड़े जालसाज ज्यादातर नेता भी हैं। जितना बड़ा ढोंगी बाबा होता है इसका, उतना बड़ा ढोंगी नेता होता है। ये फरेबी बाबाओं में और हमारे नेताओं में बहुत फर्क नहीं है, ये एक से हैं, चरित्र एक सा है, और इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी होता है। कम वक्त है, बहुत जल्द बहुतों की पोल पट्टी खोलूंगा, और बहुतों की कुर्सी जो है उस पर उनका बने रहना मुहाल कर देंगे। कुर्सी तुम्हें तुम्हारा बनाने के लिए नहीं मिली है, कुर्सी तुम्हें लोगों की सेवा के लिए मिली है। नौकरी देकर के कोई बहुत बड़ी कृपा नहीं की, हक है, काबिल हैं वो लोग, व्यवस्था में सिर्फ बैठे हैं। व्यवस्था जनता की है, जनता के लिए चलती है। बीच बीच में नेटवर्क कट जा रहा है, लेकिन ये जो चिट्ठी है बिहार के उस पछवाड़ा के नौजवान की, वो चिट्ठी किसी को भी दहला सकती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जिस रोज भी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे, मेरी अपनी अपना रिसर्च मेरा पूरा हो जाएगा, उस रोज में बिहार के स्पेल्ट्रन और उसकी थर्ड पार्टी इसके चूल्हे हिला दूंगा, इससे कलाई खोलूंगा, इसकी पोल खोलूंगा। और ये तय, ये वादा करके मैं जा रहा हूं कि जो जाति, जो भ्रष्टाचार, जो धांधली, जितने धतकर्म करने हैं
आप लोग करो।